friends, exercise 4.3, question number 3. Find the train using find yearly moving average. इसका मतलब clear है कि आपको moving average वाला question काम करना है. Method number 3, yearly find yearly moving average. Method 3, moving average है. From the following data, अब यहाँ year and profit available है. तो सबसे simple question, पहले आपको क्या करना है? Table create करना है. Table में मैंने year लिख दिया, timing लिख दिया, profit लिख दिया. अब जब find yearly moving average हो, तो first 2 years और लास्ट 2 ईयर्स में कुछ भी नहीं लिखना. इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन है वो थर्ड ईयर से है. और थर्ड ईयर में भी हमें क्या करना है, जिस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसका उससे पहले वाले 2 ईयर, उसके नेक्स्ट वाले 2 ईयर्स, उसका टोटल करना है. इसका मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स टोटल 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 इसका टोटल कर दो 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, इसका टोटल हो गया 84. और 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए क्या करना है, 84 डिवाइडेड बाय 5 16.8. अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए यहां मैं टोटल करने के लिए क्या करना होगा, 14 18 20 17 24, इसका टोटल करना है. अगले टोटल में से 4 वैल्यू को रिपीट ही करनी है, फर्स्ट वैल्यू को इग्नोर करना है और एक वैल्यू ऐड करनी है. तो अब क्या करेंगे, ये टोटल ले लिया 84, उसमें से हमने फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे, उसके बाद वैल्यू में प्लस 24 ऐड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा नेक्स्ट 5 का टोटल. क्या करना है, 84 माइनस 15 प्लस 24 यानी कि 93. अब हर बार कैलकुलेशन में आपको यही करना होगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करना है. तो 24 के बाद हमें ऐड करना होगा 27 को, उसके बाद ऐड करना होगा 25, उसके बाद 23 को ऐड करना है. लेस क्या करना है, पहले हमने 15 लेस किया, उसके बाद हम 14 लेस करेंगे, उसके बाद 18 वाली वैल्यू लेस कर, उसके बाद 20 वाली वैल्यू लेस कर. और जो भी टोटल आएगा उसे रिपीट लिखते जाना, 93 माइनस 14 प्लस 27 यानी कि 106. ये 106 नेक्स्ट में 106 माइनस 18 प्लस 25 113. फिर से यहां 113 माइनस 20 प्लस 20 116. अब ये जो टोटल हो गया उसको 5 के साथ डिवाइड कर दो, तो 93 डिवाइडेड बाय 5 यानी 18.6. 106 डिवाइडेड बाय 5 106 डिवाइडेड बाय 5 21.2. 113 डिवाइडेड बाय 5 22.6. 116 डिवाइडेड बाय 5 23.2. सिंपल क्वेश्चन ही है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज. इसके तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में भी काम कर सकते हो. 5 ईयरली मूविंग एवरेज हो, 5 मंथली मूविंग एवरेज हो, तो पहले तो जो भी क्वेश्चन है उसे लिखना ही है. टाइम लिखना है 1 2 जितने ईयर तक अवेलेबल हो. तो 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयर्स का टोटल करना है डिवाइड बाय 5 का. 5 ईयरली मूविंग एवरेज में फर्स्ट 2 ईयर और लास्ट 2 ईयर्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखना पड़ेगा.